पढ़ो उत्पत्ति उसका एक अध्याय 27 वचन पढ़ो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हाँ, नर और नारी करके उसने मनुष्यों को सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हाँ, और उसको अपने वश में कर लो। हाँ, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हाँ, पढ़ो पढ़ो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा अब यह वचन पर ध्यान देना। हाँ, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा, सुनो जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं। हाँ, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात को? ध्यान सुनो, एक आदम था और एक हव्वा थी। सिर्फ दो ही लोग थे, लेकिन परमेश्वर का देना देखो, यहां पर परमेश्वर की आशीष देना देखो। परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? परमेश्वर ने कहा आदम और हव्वा तुम लोग सिर्फ दो लोग हो, लेकिन सुनो मैं तुम्हारे लिए ये पूरी पृथ्वी को मैं फलदायी वृक्ष से भर देता हूं और ये तुम्हारे भोजन के लिए होगा, ये तुम्हारे खाने के लिए होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, दो लोग थे। एक एकड़ जमीन में, 10 एकड़ जमीन में, 100 एकड़ जमीन में भी अगर वो पेड़ लगा देते, फल वाले लगा देते, तो क्या दो लोगों के भोजन के लिए काफी नहीं था? बोलो काफी था कि नहीं? हाँ, सुनो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। अगर दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति के लिए अगर हम 50 एकड़ या 100 एकड़ जमीन में भी अगर हम आम का पेड़ लगा देते हैं, जाम का पेड़ लगा देते हैं, अंगूर का पेड़ लगा देते हैं, केले के पेड़ लगा देते हैं, हाँ, दुनियादारी के जितने फल है ना, सबके पेड़ हम लगा देते, तो काफी था कि नहीं था? था कि नहीं? लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है मालूम है? सारी पृथ्वी को मैंने तेरे भोजन से भर दिया है, ये देना है परमेश्वर का। अरे भाई, एक आध एकड़ जमीन में दे देते, हो जाता। दो लोग थे, कितना खाते? सारी पृथ्वी को भरने की क्या जरूरत थी? फल से, फ्रूट से, बताओ ना क्या जरूरत थी सारी पृथ्वी को भरने की? हाँ, और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा वो तुम्हारे लिए है, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए वो प्रबंध किया है, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए उपाय किया, वो सिर्फ तुम्हारे भोजन के लिए है। ओ, आदम और हव्वा के भोजन के लिए सारी पृथ्वी को परमेश्वर ने भर दिया फ्रूट से। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये परमेश्वर का देना है, परमेश्वर बहुतायत से देता है। जानते हो कई बार ना हम रॉन्ग प्रेयर करते हैं और जो परमेश्वर से मिलने वाला रहता है ना वो भी रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छा था कि यहां पर आदम और हव्वा ने प्रार्थना नहीं किया, परमेश्वर की मर्जी पूरी हुई। और देखो परमेश्वर की क्या मर्जी थी, आदम और हव्वा को परमेश्वर ब्लेस करने के लिए सारी पृथ्वी को उसके भोजन से भर दिया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए याद रखो, परमेश्वर के सामने में कभी अपनी मनमानी मत करो, छोटा मत मांगो, थोड़ा मत मांगो, खुदा से बोलो परमेश्वर तेरी इच्छा और तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु मैं तो कुएं का मेंढक हूं, परंतु तूने मेरे लिए समुद्र तैयार करके रखा है, तूने मेरे लिए सागर तैयार करके रखा है। हाँ, लेकिन क्या होता है, हम में से बहुत से लोग कुएं के मेंढक होते हैं और कुएं में ऐसे चारों तरफ घूमते हैं, यही दुनिया है। हाँ, और जो मेंढक नाले जो जो जो, जो मेंढक तालाब में होता है, तालाब में देखता है चारों तरफ घूम गया, बस इतनी दुनिया है। लेकिन जो मेंढक समुद्र और सागर में होता है उसको मालूम चलता है कि मेरी नजर से दुनिया छोटी थी, लेकिन अब मालूम चला कि दुनिया इतनी बड़ी है कि वो छोर नहीं दिखाई देती, ये छोर नहीं दिखाई देता। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, अब्राहम बहुत धनाढ्य व्यक्ति था। अब्राहम किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा था मालूम है? परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, अब्राहम अपनी आंखें उठा और आंखें उठा करके तू देख जहां तक देख सकता है, तू जहां तक देखेगा ना वहां की पूरी जमीन पूरी प्रॉपर्टी मैं तुझको दे दूंगा और तेरे वंश को दे दूंगा, देख कहां तक देखता है तू। अब्राहम खड़ा हुआ और खड़े होकर के अब्राहम देख रहा है। जहां तक अब्राहम देख रहा था मेरे प्रियो, जहां तक अब्राहम देखा वहां तक की पूरी प्रॉपर्टी पूरी जमीन खुदावंत ने अब्राहम और उसके वंशजों को दे दी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और उसके बाद में परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है? अब तू इस जमीन की लंबाई चौड़ाई में चल फिर,
खुदा क्या चाहता है मालूम है? खुदा चाहता है अपने विश्वास को लंबा करो, चौड़ा करो, मोटा करो और गहरा करो, खुदा आपके जीवन में वैसा ही काम करेगा। परमेश्वर चाहता है अपने दर्शन को बड़ा कर, अपने दर्शन को चौड़ा कर, अपने दर्शन को मोटा कर, अपने दर्शन को गहरा कर। क्यों? क्योंकि मैं स्वर्ग का परमेश्वर हूं, पूरा पृथ्वी तुझे देना चाहता हूं, मैं पूरी पृथ्वी का तुझे अधिकारी बनाना चाहता हूं। थोड़ा मत मांग, थोड़ा मत मांग। जो लोगों को यह प्रकाशन है ना, जो लोगों को यह सिद्धांत मालूम चल गया ना विश्वास का, मालूम है वो अपने विश्वास को बड़ा और चौड़ा कर लिए, अपने दर्शन को बड़ा और चौड़ा कर लिए। और जानते हो आज क्या है? आज परमेश्वर ने उनको इतना दिया है, कई एकड़ों में चर्च है उनका, कई एकड़ों में बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है उनकी। कई लोग जो सेवा में नहीं है कलीसिया को क्या करते हैं? डोनेशन देते हैं, लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में। काय के लिए? प्रभु ने उनको बिजनेस दिया बड़ा बड़ा। क्यों? विश्वास का सिद्धांत जानते थे वो, विश्वास का सिद्धांत जानते थे वो। याद रखना, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ होगा। क्या विश्वास करते हो? थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। क्या विश्वास करते हो? ज्यादा ज्यादा ही मिलेगा। जैसा तुम्हारा विश्वास, जैसा तुम्हारा दर्शन, तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। अब्राहम बहुत ज्यादा धनाढ्य और अमीर हो गया था, क्यों मालूम है? उसका फेथ परमेश्वर के ऊपर में, क्योंकि उसका विश्वास बड़ा था। और अब्राहम ने जो कुछ भी प्राप्त किया ना परमेश्वर से, वो अपने विश्वास से प्राप्त किया था, क्योंकि उसका विश्वास मोटा चौड़ा था, दर्शन बड़ा था उसका। ठीक उसी प्रकार से अब्राहम का बेटा इसहाक और इसहाक का जो बेटा था याकूब, परमेश्वर ने उसको भी बहुत धनाढ्य किया, परमेश्वर ने उसको भी बहुत संपन्न किया। मैं यहां पर जब धनाढ्य और संपन्नता की बात कर रहा हूं ना मेरे प्रियो, तो केवल पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर आत्मिक संपन्नता की बात कर रहा हूं, आर्थिक संपन्नता की बात कर रहा हूं, भौतिक संपन्नता की बात कर रहा हूं, अच्छे स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, मैं भरपूरी के जीवन की बात कर रहा हूं। मैं याकूब जो था वो बहुत धनाढ्य था, बहुत अमीर, बहुत धनाढ्य। कैसे हुआ वो अमीर, कैसे हुआ वो धनाढ्य? याकूब अपने मामा लबान की भेड़ बकरियों को चराने का काम करता था, लेकिन उसका जो मामा लबान था वो याकूब के साथ में धोखाधड़ी कर रहा था, उसकी मजदूरी को लेकर के बार बार उसकी मजदूरी को बदलता था। याकूब दुखी होकर के लबान को छोड़ करके जा रहा था, तब लबान ने याकूब को रोका और याकूब को कहा, तू मेरे को छोड़ करके क्यों जाता है? मेरे को छोड़ के मत जा, बता तेरे को क्या मजदूरी चाहिए। तब याकूब कहता है कि तुम मेरे को कोई मजदूरी मत दे, परंतु तेरे मेरे बीच में एक डील होगी। क्या डील? तेरी जितनी भी भेड़ और बकरियां हैं उनमें से भेड़ बकरियां अगर चितकबरे, चित्ती वाले, काले और धारी वाले बच्चे पैदा करेगी तो वो मेरी मजदूरी होगी। लबान ने कहा ठीक है, मेरे को मंजूर है। ध्यान से सुनना, अब याकूब जो था वो अपनी भेड़ और बकरियों को चराने के लिए लेकर के गया, लबान की भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेकर के गया। और जैसे ही भेड़ और बकरियां पानी पीने के लिए जाती थी, वहां पर दूसरी भेड़ बकरियों के साथ में उनका मीटिंग होता था, संबंध बनता था, उनका संबंध बनता था और वो गर्भवती हो जाती थी। याकूब ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, उसको विश्वास का सिद्धांत बताया उसको। परमेश्वर ने याकूब को एक ऐसा भेद दिया मेरे प्रियो, ध्यान से सुना, अगर आप समझ गए और इसको अपने आपने अगर अप्लाई किया, आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर, याकूब ने परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त की और याकूब ने जानते हो क्या किया? पेड़ में से जो हरा हरा पेड़ था, जिसकी डंगाली हरी थी, वो हरी डंगाली को उसने तोड़ा और तोड़ करके क्या किया, वो हरी डंगाली को, सुना, हरी डंगाली को ऐसे बीच बीच से धारी धारी करके छिल दिया। तो एक जगह हरा, फिर जहां छिली थी वहां व्हाइट, फिर हरा, फिर जहां छिली थी वहां व्हाइट, फिर हरा, फिर जहां पर छिली थी वहां पर व्हाइट। तो क्या हो गया? ऐसी धारी धारी हो गई, हरा व्हाइट, हरा व्हाइट। अब क्या हुआ? अब सुनो, अब क्या हुआ? अब ऐसा हुआ कि जहां पर वो मीटिंग करते थे, जहां पर भेड़ बकरियां संबंध बनाते थे, मीटिंग करते थे, और जहां पर उनको गर्भवती होना था, वो क्या करते थे? वो ना उस मादा भेड़ के सामने में क्या करते थे? वो क्या करता था याकूब? वो धारी धारी वाले जो 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 डंगाल है ना, उसको सामने में खड़ा कर देता था। अब ये भेड़ बकरियां क्या थी? ये उसी डंगाल को देख करके गाभिन हो जाती थी, गर्भवती हो जाती थी, उसी डंगाल को देखकर, वो लकड़ी को देखकर जो धारी धारी वाली थी, हरा व्हाइट, हरा व्हाइट, उसको देख के और देख देख करके वो गर्भवती हो गए। और उसके बच्चा जनने से पहले तक के लगातार याकूब जो था वो भेड़ और बकरियों को लगातार वही डंगाल दिखाया करता था, वही डंगाल दिखाया करता था। और जानते हो क्या हुआ? जब बच्चे पैदा हुए, जब उन भेड़ और बकरियों के जब बच्चे पैदा हुए, तो वो बच्चे भी ऐसी धारी धारी वाले पैदा हुए।
वो बच्चे भी चितकबरे पैदा हुए, वो बच्चे भी चित्ती वाले पैदा हुए। चर्च आप समझ नहीं रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो देखते हो ना आप वही पैदा करते हो अपने जीवन में। आप जो देखोगे वही पैदा करोगे आप अपने जीवन में। ये जो भेड़ और बकरियां थी, ये ने उस डंगाल को देखी और वो डंगाल में क्या था, हरा था और फिर व्हाइट था, हरा था फिर व्हाइट था। उसको देख रही है, देख कर गाभिन हो गई है। बच्चा पैदा करने से पहले उसी को देख रही है, उसी को देख रही है। बच्चे भी बिल्कुल धारी धारी वाले पैदा कर दिया उन्होंने, बच्चे भी बिल्कुल चित्ती वाले पैदा कर दिया, बच्चे भी उन्होंने बिल्कुल चितकबरे पैदा कर दिया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप देखते हो आप वही पैदा करते हो। ध्यान से सुनो मेरी बात, यह नियम याकूब जान गया था, नियम याकूब जान गया था। और जानते हो क्या हो गया, और क्या हो गया, जितनी क्या हो गया, वो ऐसे ही काम करता था। पूरी जो चितकबरी भेड़े थी और धारी वाली भेड़े थी और जितनी चित्ती वाली भेड़े थी, वो सारी भेड़े जो थी वो याकूब के पास में चली गई। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर याकूब उसके सामने में अगर वो डंगाल नहीं रखता ना, धारी धारी वाली, वो नॉर्मल बच्चे पैदा करती। लेकिन भेड़ और बकरी जो देख रही थी ना, जो देख रही थी भेड़ और बकरी, वही बच्चा पैदा किया। वैसे ही धारी धारी वाले चित्ती वाले बच्चा पैदा किया। चलो आपको मैं एक दृष्टांत देता हूं तो आपको समझ में आएगा। एक टेस्टमनी आपको मैं देता हूं। एक व्यक्ति था, उसने यही प्रचार सुना, उसको घर की बड़ी चाह थी और उसके पास में एक घर का पिक्चर था। उसके घर उसके 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 पास में घर का पिक्चर था और वो हमेशा देखता था और मन में सोचता था, काश यार मेरा भी ऐसा ही घर हो, काश यार मेरा भी ऐसा ही घर होता ऐसा। लेकिन वो विश्वास नहीं करता था, नहीं यार इतना ऐसा घर तो मेरा नहीं हो पाएगा। फिर उसने ऐसा प्रचार सुना, विश्वास का उसने प्रचार सुना। तब उसने क्या किया मालूम है? वो जो घर की जो पिक्चर थी ना, अपने दीवालों पर लगा दिया। और दीवालों पर लगाने के बाद में उठते बैठते सोते जागते वो लगातार उसी घर को देखता था। ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। जीते उठते बैठते चलते फिरते अपने रूम में हमेशा उसी घर को देखकर सोता था, उठता था तो उसी घर को देखता था, बाथरूम जा रहा है तो उसी घर को देख करके जा रहा है, बाथरूम से बाहर आ रहा है उसी घर को देख करके बाहर आ रहा है। कुछ महीना गुजर गया, ज्यादा नहीं कुछ साल गुजर गया, कुछ साल गुजर गया। और उसके बाद में मेरे प्रियो, वो जो फोटो लगी हुई थी वो दीवार से निकाल करके शायद उसने साइड में रख दिया। और उसके बाद में कुछ साल, ज्यादा भी नहीं गुजरे थे, कुछ सालों के अंदर में वो बुक बेचता था, उसका बिजनेस बहुत बढ़ गया और एक दिन उसने घर बना दिया और उसका घर बन करके तैयार हो गया। अब उसको अपने घर में शिफ्ट होना था तो वो अपने घर को क्या कर रहा था, अपने पुराने घर के में पूरे सामान को जोड़ रहा था। और जब उसने पूरे सामान को जोड़ा और पूरे सामान को जब खंगाला निकाला तो उसको उसी घर का पिक्चर मिला जो वो दीवार पे रखता था और हमेशा बोलता था, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मेरा घर है। और जब उस फोटो को निकाला और वो जो पिक्चर को, घर के पिक्चर को वो देखा, जैसे ही पिक्चर को देखा उसकी आंख में आंसू आ गए, वो फूट फूट करके रोने लगा क्योंकि उस पिक्चर में जैसा घर का पिक्चर था उसने हूबहू वैसा ही घर बना डाला था, हूबहू उसने वैसा ही घर बना डाला था। अपने पूरे बुढ़ापे तक उसने अपने घर के उस पिक्चर को पुराना नहीं होने दिया, अपने घर पे लगा के रखा। सबको यही टेस्ट बनी देता था, आप जो देखते हो आप वही पैदा करते हो। समस्या को देखोगे तो समस्या पैदा करोगे अपने जीवन में, घटी कमी को देखोगे तो घटी कमी पैदा करोगे अपने जीवन में। याद रखना, आप जो देखते हो आप वही पैदा करते हो अपने जीवन में। बड़ा देखो तो बड़ा पैदा करोगे, दर्शन देखो बड़ा, जैसा दर्शन देखोगे वैसा ही आपको मिलेगा, याद रखो। और जानते हो क्या हो गया, सारी भेड़े जो थी वो याकूब की तरफ में आ गई और याकूब बहुत धनाढ्य हो गया, अमीर हो गया याकूब, वो अमीर हो गया, धनाढ्य हो गया। कैसे अमीर हुआ, कैसे धनाढ्य हुआ, कैसे? विश्वास से। उसको विश्वास का नियम मालूम था, उसको विश्वास का सिद्धांत मालूम था, उसको विश्वास से, विश्वास से मेरे प्रिय, विश्वास से।